Today on Sand Custom Gurus. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सान कस्टम ग्राज वंस अगेन। सो कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को मेरी सैंडी टॉयज की होंडा सिटी दिखाया था, जिसमें मॉडिफिकेशन का काम चल रहा था। प्लान के मुताबिक कार में बॉडी किट और हैवी डिटेलिंग दोनों का काम ही होने वाला था, पर अनफॉर्चुनेटली वाल ग्रैबिंग की कमी होने की वजह से मैं बॉडी किट का काम तो कर नहीं पाया, लेकिन हैवी डिटेलिंग का काम पूरा हो चुका है। और आपका मार के दिख रही है कि कोई भी नहीं कहेगा कि वही कार है जो कि मैंने आप लोगों को बस कुछ ही दिन पहले उस वीडियो में दिखाया था। तो क्या आप उस कार को देने के लिए तैयार हो? ओके, इस कार पे सियार नहीं वाला है। 1, 2 and 3। The Sandy Toys Honda City fully customized in the style of Sand Custom Gurus। ये देखिए, सो येलो मेरी फेवरेट कलर तो नहीं है, लेकिन ये चीज तो माना होगा कि इस कार में ये कलर वाकई में काफी सूट कर रहा है। सो उससे पहले कि मैं आप लोगों को इस कार के बारे में और बताऊं, चलिए कार का एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। हाँ, मैं जब भी किसी कार को कस्टमाइज करता हूँ, मैं ये चीज़ हमेशा ध्यान रखता हूँ कि कार की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो जितना उसके उतना इंटेक रहे, क्योंकि अगर हम मॉडिफिकेशन के नाम पे कार का पूरा डिज़ाइन ही बदल देंगे तो उससे कार की जो ओरिजिनलिटी होता है वो धीरे धीरे कार से गायब हो जाता है, जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और इसलिए मैं हमेशा कार में ओरिजिनल डिज़ाइन को पूरी तरह से मेंटेन रखने की कोशिश करता हूँ, और उसके साथ साथ कार में अपना खुद का पर्सनल टच देता हूँ, ताकि कार देखने में ओरिजिनल कार जैसी भी दिखे और उसके साथ साथ ही कार में मेरा खुद का पर्सनल टच भी हो। सो इस कार में जो कुछ भी मॉडिफिकेशन देन हुआ है वो सारे के सारे कार के समय के हिसाब से ही बनाया गया है, यानी कि मैंने कार में कुछ भी ऐसा ऐड नहीं किया है जो कि कार के मॉडल के साथ सूट ना करे, क्योंकि ये 2000 के समय की मॉडल है और इसलिए मैंने सारे मॉडिफिकेशन की बिल्कुल 2000 के समय के हिसाब से ही किया है। क्योंकि अगर मैं इस कार में फिलहाल 2021 के समय की कोई मॉडिफिकेशन कार में ऐड कर देता तो उससे कार की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके साथ छेड़खानी करने जैसा होता, जो कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करता हूँ। और इसीलिए मैंने कार को बिल्कुल इसके अपने खुद के स्टाइल में कस्टमाइज किया है, ताकि कार देखने में बिल्कुल ओरिजिनल कार जैसी ही दिखे। सो फाइनली बात होता है आपको कार के सारे मॉडिफिकेशन और डिटेलिंग के बारे में बताने का, किस कार में एक्चुअली में क्या क्या चेंजेस डन हुआ है। तो सबसे पहले बारी आती है कार की फ्रंट एंड की। अगर फ्रंट एंड की बात करें तो जब मैंने कार खरीदा था तो इसका ग्रिल जो कि पहले सिल्वर कलर का हुआ करता था, लेकिन सिल्वर कलर के होने की वजह से ग्रिल थोड़ा सा अनरियलिस्टिक सा दिख रहा था, और इसलिए मैंने ओरिजिनल सिल्वर कलर की ग्रिल के ऊपर ही क्रोम ऐड कर दिया, जिसके बाद कार की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है वो भी पूरी तरह से मेंटेन रहा, और उसके साथ साथ ही कार में एक यूनिक लुक भी आ गया। अगर इस होंडा के लोगों की बात करें तो ये पहले बस एक स्क्वायर टाइप का एक सीज था, जो कि होंडा के लोगों जैसा उतना था नहीं,
लेकिन मैंने यहाँ पर ये सब डिटेलिंग ऐड करके इसे एक्चुअल होंडा लोगों की तरह बना दिया। अबे ये नहीं कहूँगा कि ये लोगो परफेक्ट है, ये देखने पर पता चलता है कि इस चीज़ को बाद में बनाया गया है, पर एटलीस्ट दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि यहाँ पर होंडा की लोगो है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अगर लोअर व्हील की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को याद ही होगा एक बहुत ही चीप क्वालिटी का स्टिकर लगा हुआ था, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और इसलिए मैंने उस स्टिकर को निकाल दिया। और उसके जगह में सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर ब्लैक कलर की वाइन रैपिंग किया, फिर वाइन रैपिंग के ऊपर ही मैंने क्रोम वाइन रैपिंग भी कर दिया, जिसकी वजह से जो ये लोअर ग्रिल है ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया और ज़्यादा बेटर हो गया। मैंने हेडलाइट्स में कुछ भी नहीं किया है, प्लान के मुताबिक हेडलाइट्स के अंदर वाला हिस्सा ब्लैक होने वाला था, पर फिर मुझे ऐसा लगा कि वैसा करने से कार की जो ओरिजिनल डिज़ाइन है उसके साथ छेड़खानी करने जैसा होगा, जो कि मैं पसंद नहीं करता हूँ। ये मैंने आपको पहले भी कहा है, और इससे मैंने हेडलाइट्स को बिल्कुल उसी स्टाइल में रहने दिया जिस स्टाइल में कंपनी ने इस कार को बनाया था। अगर बात करें विंडशील्ड की तो यहाँ पर आप लोगों को विंडशील्ड में भी ब्लैक बॉर्डरिंग देखने को मिलेगा। बॉर्डरिंग के अलावा विंडशील्ड में और कुछ भी नहीं हुआ है, क्योंकि बॉर्डर ही विंडशील्ड के लिए काफ़ी था, और इसकी वजह से जो विंडशील्ड का जो फ्रेम है वो ज़्यादा बेटर हो गई है और ज़्यादा स्मूथ हो गई है। सो नेक्स्ट बार याद ये कार के साइड प्रोफाइल की, अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो सबसे पहले मैं इन पिलर्स के बारे में बताना चाहूँगा। सो जब मैंने कार खरीदा था तो उसके सारे पिलर्स बॉडी कलर्ड हुआ करता था, और बॉडी कलर्ड होने की वजह से वह कार थोड़ा सा अनरियलिस्टिक दिख रहा था, क्योंकि ओरिजिनल होंडा सिटी में हमेशा पिलर्स ब्लैक कलर की ही आया करता था, और इसलिए मैंने पिलर्स को ब्लैक कलर में पेंट कर दिया। ये पिलर्स एक्चुअल में परमानेंट मार्कर की मदद से पेंट किया गया है, लेकिन इन्हें बहुत ही स्मूथली पेंट किया गया है, और बिल्कुल इसी तरह से पेंट किया गया है कि देखने में ऐसा लगे कि मानो ये चीज़ ओरिजिनली कंपनी से ही आया था। अगर बात करें डोर हैंडल्स की तो डोर हैंडल्स कंपनी से भी ब्लैक कलर की ही आया था, लेकिन पेंटिंग स्मूथ ना होने की वजह से मैंने डोर हैंडल्स की जो ओरिजिनल पेंटिंग था उसके ऊपर भी फिर से रीपेंट कर दिया। फिर से रीपेंट करने की वजह से जो डोर हैंडल्स है अब वो ज़्यादा स्मूथ हो गया और ज़्यादा बेटर हो गया। अगर इन डोर बीडिंग्स की बात करें, यानी कि इन साइड बीडिंग्स की बात करें, तो साइड बीडिंग्स में भी आप लोगों को ब्लैक कलर की बॉर्डरिंग देखने को मिलेगा, जो कि वाल रैपिंग की मदद से डन किया गया है, जिसकी वजह से जो ये साइड की जो कुछ भी बीडिंग्स है ये देखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है और ज़्यादा यूनिक दिख रही है। अगर इस क्रोम बीडिंग की बात करें तो यहाँ पर आप लोगों को एक पतली सी क्रोम बीडिंग भी देखने को मिलेगा, जो कि ओरिजिनली होंडा सिटी में तो था नहीं, लेकिन मैंने इस कार को लग्जूरियस बनाने के लिए ये सीएसबी कार में ऐड कर दिया। इंटीरियर में भी काफ़ी सारी डिटेलिंग डन हुआ है, सिर्फ डैशबोर्ड में भी इसे डन हुआ है, बाकी सीट वगैरह में कुछ भी डन हुआ है। मैंने स्टेयरिंग व्हील को ब्लैक कलर में पेंट कर दिया, और बाकी जो कुछ भी म्यूजिक सिस्टम और एसी वेंस जैसे चीज़ें उनमें भी थोड़ी बहुत ब्लैक डिटेलिंग ऐड कर दिया, जिसकी वजह से जो डैशबोर्ड है वो ज़्यादा बेटर हो गई है और ज़्यादा रियलिस्टिक हो गई है। यहाँ पर आप लोगों को साइड मिरर्स में भी थोड़ी बहुत डिटेलिंग नजर आएगा, मैंने साइड मिरर्स को इस तरह से डिटेल कर दिया कि ये देखने में ऐसा लगे कि मानो ये साइड मिरर्स एक्चुअल में ऑपरेबल है, हालांकि ये अब भी बॉडी के साथ पूरी तरह से फिक्स्ड ही है, लेकिन देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो इन्हें एक्चुअल में मूव किया जा सकता है, बिल्कुल असली कार की तरह। अगर बात करें व्हील्स की तो व्हील्स में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, बस यहाँ पर ही व्हाइट कलर की एक बॉर्डर ऐड कर दिया है, जैसा कि मैंने उस रेड कलर के टोयोटा इनोवा के साथ भी किया था, क्योंकि इनोवा का व्हील और इस होंडा सिटी का व्हील काफ़ी बहुत सेम डिज़ाइन का ही है, और इसलिए इस व्हाइट बीडिंग को ऐड करने की वजह से व्हील्स का जो शेप है वो ज़्यादा बेटर हो गई है और ज़्यादा यूनिक हो गई है। रूफ में भी आप लोगों को ये ब्लैक कलर की ये बीडिंग्स देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से जो रूफ है वो भी ज़्यादा बेटर दिख रही है। सो आखिर में बारी आती है कार की रियर एंड की। अगर रियर एंड की बात करें तो रियर एंड में एक बहुत ही यूनिक चीज़ डन हुआ है, और वो है ये टेल लाइट्स। टेल लाइट्स का जो डिज़ाइन है वो मैंने काफ़ी बहुत मर्सिडीज सीएल के डीटीएम से इंस्पायर्ड होकर बनाया है, क्योंकि सीएल की डीटीएम और होंडा सिटी का ये वाला जनरेशन सेम ही समय का ही है, यानी कि 2000 के समय का ही है, और इसलिए मैंने बिल्कुल मर्सिडीज की ट्राई पीछे टेल लाइट्स भी फिट किया है। मैंने ओरिजिनल जो टेल लाइट्स का जो शेप है उसके साथ कोई भी छेड़खानी नहीं किया है, बस ये बीच के इन व्हाइट बॉर्डर्स को मर्सिडीज स्टाइल में बनाया है, जिसकी वजह से आप कार पीसेस थोड़ी बहुत मर्सिडीज जैसी भी दिख रही है, और इसकी वजह से कार का जो डिजाइन है वो ज़्यादा इंप्रूव हो गई है और ज़्यादा बेटर हो गई है। ये वाली जो क्रोम बीडिंग है ये पहले सिल्वर कलर का था, लेकिन मैंने सिल्वर के ऊपर ये क्रोम भी ऐड कर दिया, बिल्कुल फ्रंट ग्रिल की ट्राई, और इसकी वजह से आप जो ये बीडिंग है ये भी ज़्यादा बेटर हो गई है। ये होंडा सिटी वाला बैजिंग ओरिजिनली आया था, और लाइसेंस प्लेट के साथ भी मैंने कुछ नहीं किया है। अगर बात करें पीछे के विंडो की तो बिल्कुल सामने की और साइड के विंडोज़ की ट्राई, आप लोगों को पीछे के विंडो में भी ब्लैक कलर की बॉर्डर देखने को मिलेगा। उसके बाद बाकी ये सब अंडर की स्टिकर वगैरह तो ओरिजिनली था, लेकिन इस ब्लैक बॉर्डर की वजह से जो ये जो विंडो है ये भी देखने में ज़्यादा बेटर दिख रही है और ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रही है। इस कार को काफ़ी बहुत इस तरह से डिटेल किया गया है कि ये देखने में स्टिल एक ओरिजिनल होंडा सिटी की ट्राई ही दिखे, लेकिन उसके साथ साथ ही कार में सैन कस्टम ग्रास का खुद का टच भी हो। और ये चीज़ मैं ये कहना कह सकता हूँ कि पूरे दुनिया पर ढूंढने पर भी आप लोगों को इतनी ब्यूटीफुली रेडी की गई सेंटी टॉयज की होंडा सिटी और कहीं में भी देखने को नहीं मिलेगा। हाँ सर दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिल्म रॉडो की मेरी एक और नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों ऐसे ही और भी कमाल की कस्टमाइज की गई और मेरी खुद के तैयार की गई स्केल मॉडल कार्स दिखाने की कोशिश करूंगा, लेकिन तब तक अगर आपको आज का ये वीडियो समय पसंद आया देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड ऑल्सो क्लिक द बेल आइकन सो यू विल गेट नोटिफिकेशन ऑफ एवरी न्यू वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे।